एक विलेज में हम लोग गए तो वहाँ पे NREGA का काम चल रहा था। तो वहाँ के लेबर लोग बोले कि वही केस हुआ कि दीदी हम लोग को पैसा नहीं मिलता है ना, हम लोगों को 90 रुपये पे साइन कराते हैं, 60 रुपये देते हैं। फिर हम ब्लॉक में गए, ब्लॉक में जाके BO से बात किए तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैडम, अगर होगा तो हम अपने आदमी को भेजेंगे वेरीफाई करने के लिए। उनका आदमी गया, बीच वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या किए, उन लोग को अलग से पैसा दे के कुछ पिला उला दिए। और जब हम गए वो लोग भी गए तो बोल दिए कि नहीं हम लोग कहाँ बोले थे दीदी को, हमको तो 80 रुपये का 80 रुपये मिलता है, 60 रुपये नहीं मिलता है। उस दिन बहुत डिप्रेशन हुआ कि देखो यही लोग बोलते हैं कि कम मिलता है, हम इनके लिए काम किए और यही लोग मेरे सामने मुकर गए। उस दिन बहुत निराशा हुई, घर में आके ना लगा कि नहीं काम करना चाहिए, ये गांव के लोग वाकई बहुत ख़राब हैं, इनके लिए जी जान दे दो फिर भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। तो उसी दिन अचानक TV में गाना हो रहा था, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटे भी चल के मिलेंगे राहें, ऐसे ही गाना है किशोर कुमार का। वो गाना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बहुत हिट किया कि नहीं इतनी सी बात के लिए पीछे नहीं हटना है। फिर गए उस गांव में, लोगों को समझाए तो वो लोग खुद बोले कि नहीं दीदी हमको तो पिला दिया था और पिला के बोल दिया कि ऐसा ही बोल देना। हम बोले अगर आप लोग बार बार ऐसे करेंगे ना तो हम आप लोग के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद फिर से धीरे धीरे उन लोग को विश्वास हुआ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, फिर लगा कि नहीं करना चाहिए। दूसरे विलेज में कुछ थोड़ा सा अच्छा हुआ, अगर एक जगह निगेटिव होता है एक जगह पॉजिटिव होता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। फिर कहीं गए थोड़ा सा कुछ डिप्रेशन आया, फिर कहीं अच्छा हो गया फिर मोटिवेशन आ गया।